नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए देखिए बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और बनाने में भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए देखिए कोई भी कलर की आप ऊन ले लेंगे और 10 नंबर की सिलाइयाँ ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसी में ही इस डिज़ाइन को डालना बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फर्स्ट रो है हमारी, इसमें हमने देखिए मैंने इसके लिए देखिए मल्टीपल ऑफ 6 में फंदे लिए, मतलब 6-6 के मल्टीपल में फंदे लिए, 6, 12, 18, 24 इस तरह से, क्योंकि देखिए 5-5 फंदे मैंने बीच में उल्टे लिए हैं और एक फंदे पे मैंने ये डिज़ाइन डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये फर्स्ट रो में देखिए हमने पहला फंदा ऐसा ही उतार लेना है, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे उल्टे के बाद एक फंदा सीधा, फिर से 5 फंदे उल्टे, 4, 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इस तरह हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और ये 5 फंदे फिर से उल्टे। आखिरी फंदे को हमने सीधा ही बना लेना है। अब उल्टी सिलाई जो है हर बार में हमने पूरी उल्टी ही लगाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से दूसरी सिलाई में फिर से हमने 2 सिलाइयाँ इसी तरह हमने अब और लगा लेनी है। देखिए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सॉरी सीधा, 5 फंदे उल्टे। दूसरी सिलाई भी हम पूरी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी फंदा सीधा बना लेंगे। अभी देखिए दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई हमने फिर से पूरी उल्टी लगा देनी है। ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस तरह से आ रहा है हमारा डिज़ाइन, बीच में एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे। अब हमने एक सिलाई, तीसरी सिलाई भी इस तरह से लगा लेनी है। पहला फंदा एज सच, 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इस तरह से हम अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई उल्टी साइड हम फिर से पूरी उल्टी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मेरी 3 सिलाइयां उल्टी और सीधी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए उसके बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। देखिए आप यहां से काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, ये 3 सिलाइयां उल्टी हो गई हैं, उल्टी सीधी हमारी कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई में देखिए हमने पहले फंदे को सीधा उतार लिया, उल्टे फंदों को हमने उल्टा ही उतार लेना है। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे उल्टे। अब ये सीधे फंदे से हमने ये डिज़ाइन शुरू करना है। देखिए अब ये सीधे फंदे में देखिए सबसे पहले देखिए हमने ये अपनी सिलाई को, ये सबसे लास्ट वाला जो छेद है यहाँ पे, जो सबसे लास्ट वाला जो हमने ये स्टिच लिया था, इसके बीच में से देखिए हम यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ से क्रॉस किया और इसको इस तरह से धागा रोल करके देखिए हमने इतना इस तरह से धागा खींच के यहाँ तक ले लेना है। अब दूसरे में से ये जितने भी छेद दिख रहे हैं, जितने भी हॉल दिख रहे हैं हमने, इसमें से सभी में से एक एक बार इस धागे को निकालना है कि 2
या उससे ऊपर वाले से, तीन, चार, पांच, फिर से ये छः। देखिए मैंने ये छः बार अपना धागा इस तरह से निकाल लिया है, हर बार एक एक, इससे जो एक एक फंदा है उसके बीच में से। फिर हमने ये जो फंदा है सीधा, इसको हमने अब उल्टा बना लेना है इस तरह से, धागा पीछे। अब देखिए अब हमने क्या करना है इसके लिए, देखिए ये सबसे लास्ट वाला जो हमने धागा उठाया था, अब इस सबसे लास्ट वाले धागे को इस तरह से मैंने यहाँ से लिया और इस तरह से छोड़ दिया, उतार देना है। ये दूसरे वाले फंदे को देखिए मैंने सिलाई से उतार दिया, फिर ये तीसरे को, चौथे को, ये पांचवें को और ये छठे को। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आ गया है। फिर से अगले पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब फिर से हमने देखिए इस तरह से ये जो सीधे वाले फंदे हैं इसमें से, देखिए सबसे पहले हम ये छठे वाले, इसमें से जो छठा वाला होल दिख रहा है, छेद दिख रहा है, वहाँ से डालेंगे इस सिलाई को। इस तरह से मैंने ये सिलाई डाली, ये देखिए धागा मैंने निकाल लिया है। अब दूसरे में से दो, तीसरे से तीन, चौथे से चार, पाँच और ये छः। देखिए मैंने छः बार इस तरह से धागे को निकाल लिया है। हमने फिर इस वाले फंदे को हमने ये उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे। अब देखिए सबसे जो सबसे लास्ट वाला जो धागा दिख रहा है, पहले हमने उसको सबसे पहले सिलाई से उतारना है। देखिए एक, दूसरे नंबर वाले को दो, तीन, चार, पाँच और ये आखिरी वाले को छः। फिर से अगले पांच फंदे उल्टे, फिर से देखिए हम सीधे फंदों में आ गए हैं। फिर से देखिए इस तरह से हमने ये छेमे वाले छेद में से हमने सबसे पहले इस धागे को इस तरह से मैंने निकाल लिया, दूसरे नंबर से, तीसरे से, चौथा, पांचवा और ये छठा। अगला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर से इसी तरह से हमने ये धागे ये सीधे उल्टे फंदे से हमने उतारते चलना है। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छः। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आ रहा है। फिर से पांच फंदे उल्टे, फिर से देखिए हमने सीधे फंदे में डिज़ाइन लेना है। फिर से ये छेमे वाले छेद में से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अगला फंदा उल्टा, ये सारे फंदों को हमने इसके ऊपर से इस तरह से एक एक करके हमने इन सारे फंदों को, ये जो सारे धागे हमने उठाए हैं इनको एक एक करके हमने उल्टे फंदे के ऊपर से मैंने देखिए इस तरह से उतार देना है। फिर से पांच फंदे उल्टे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये आखिरी फंदे को हमने सीधा ही लगा देंगे। अब ये चौथी सिलाई उल्टी हमने फिर से पूरी उल्टी लगा लेनी है। इस तरह से मेरी ये फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के आया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
अब सेम यही पैटर्न हमने बार बार, यही पैटर्न जो फर्स्ट रो से हम रिपीट करेंगे। देखिए मैंने ये अगला पैटर्न जो है जैसे इन दो के बीच में डाला है। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न को देखिए कैसे सेट करेंगे। पहले मैंने एक फंदा ऐसा उतार लिया, दो फंदे उल्टे। अब ये दो फंदों के देखिए जो पांच फंदे उल्टे थे उसके बीच वाला जो फंदा है उसको अब हमने ये सीधा कर देना है। फिर से पांच फंदे उल्टे, देखिए एक दो, जो सीधा फंदा था वो भी उल्टा हो गया। तीन चार पाँच, बीच का फंदा सीधा, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इस तरह हम अपनी ये फिर से ये फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई अब हम फिर से उल्टी लगा लेंगे। बस इसी तरह अब हम अपने दो रो और इसी तरह से लगा देनी है, सीधी उल्टी। शुरू में दो फंदे, ये शुरू में हमारे ये एक फंदा सीधा और दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और पांच फंदे उल्टे। इस तरह हम अपनी ये दो रो और लगा लेंगे जैसे हमने पहली लगाई है। तीन रो बनाएंगे हम इसी तरह से अपनी। देखिए मैंने अपनी तीन ये सीधी उल्टी रो लगा के तैयार कर ली हैं। देखिए इस तरह से पांच फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस तरह से नज़र आ रहा है। अब फिर से देखिए हमने चौथी सिलाई में एक फंदा सीधा और ये दो फंदे उल्टे। अब हमने सेम यही पैटर्न बार बार फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था। ये जो सीधा सिलाई है इसमें देखिए सबसे पहले देखिए ये यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः छः दिख रहे हैं आपको। हमने ये सबसे लास्ट वाले होल से शुरू करेंगे हम सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच और ये छः, अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब हमने फिर से देखिए ये सारे के सारे फंदे जो हैं इसके ऊपर से हमने ये उतार देने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए इस तरह से। फिर से पांच फंदे उल्टे, फिर से देखिए सीधे फंदे में हमने फिर से यही पैटर्न फॉलो करेंगे। ये छठे होल में से हमने देखिए इस तरह से फंदा धागा निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से फंदा उल्टा। फिर से हमने इन फंदों को ये जो उल्टा फंदा था उसके ऊपर से हमने ये उतार देना है, दो तीन चार पाँच और ये छः, देखिए इस तरह से हमने इसी तरह अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर ये आखिरी होल में से देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच छः, फंदा उल्टा, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच
और ये छः, आखिरी के दो फंदे उल्टे और ये आखिरी फंदा सीधा। उल्टी सिलाई फिर से पूरी उल्टी लगा लेंगे। देखिए मेरी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इस तरह से मेरा ये पैटर्न बन के आ रहा है। यही चार सिलाइयों का पैटर्न आपने बार बार फॉलो करते जाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।